नमस्कार, मैं हूं कविता। 2019 चुनाव में महज कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, क्योंकि इस बार मुकाबला मोदी बनाम विपक्ष के बीच जो होने वाला है, समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाओ पर ही फोकस करेगा, जिसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब एचडी कुमार स्वामी ने बतौर कर्नाटक के सीएम पद की शपथ ली थी। ये सिर्फ विपक्षी नेताओं का कुनबा नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ खड़ी होने वाली वो सेना है जिसकी नजरें अब सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनावों पर है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर विपक्ष बहुमत हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो कौन संभालेगा देश की बागडोर, कौन बनेगा देश का अगला पीएम, जिसको लेकर बीजेपी भी विपक्ष से सवाल पूछ रही है। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी और शरद पवार जैसे दिग्गज नाम पीएम पद की रेस में शामिल हैं। हालांकि राहुल साफ साफ कर चुके हैं कि वो कतई पीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं है, तो वही ममता बनर्जी भी खुद को पीएम पद से दूर रहने की बात करती है और मोदी हटाओ पर ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन इन सब के बीच एनसीपी नेता शरद पवार का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पीएम उम्मीदवार को लेकर लग रही अटकलों पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है। जी हाँ, शरद पवार ने साफ कर दिया है कि जिसके पास होगी ज्यादा सीटें उसी की होगी कुर्सी। उन्होंने कहा कि चुनाव होने दीजिए, इन लोगों को सत्ता से बेदखल होने दीजिए, हम एक साथ बैठेंगे और अधिक सीट जीतने वाली पार्टी प्रधानमंत्री पद का दावा कर सकती है। इशारों इशारों में अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए शरद पवार ने कहा, हर राज्य में जाकर ऐसे क्षेत्रीय दलों को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे जो अभी बीजेपी के साथ नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश हैं। हर राज्य की स्थिति अलग है, इसलिए हमें हर राज्य में मजबूत लोगों को अपने साथ लेना होगा। तो जिन पार्टियों के विचारधारा अलग अलग है, कई मौके पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ी है, अब वो एकजुट होकर मोदी सरकार को हटाना चाहती है। देश के ज्यादातर राज्यों में कमल खिल चुका है। सिर्फ दो तीन राज्यों को छोड़कर देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का सफाया हो चुका है, तो वहीं बाकी क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीतिक करियर पर भी तलवार लटकी हुई है। ऐसे में सबसे पहले ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर समूचा विपक्ष एकजुट भी हो जाता है तो क्या मोदी की राहों में रोड़े अटका पाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।